हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिपद अकेडमी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीआईटी झांसी के बारे में। ठीक है, देखो बच्चों, जब भी यूपीटीयू की बात आती है, यूपी स्टेट की बात आती है, तो इस कॉलेज को भी जाना जाता है, क्योंकि बच्चों ये भी आपका टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है ना, टॉप मोस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, एकेटीयू के थ्रू मिलने वाला थर्ड नंबर पे ये कॉलेज आता है। ठीक है बच्चों, और वैसे यूपी स्टेट की बात करेंगे तो फिफ्थ नंबर पे आता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा एचबीटीयू कानपुर, सेकंड नंबर पे आता है हमारा त्रिपुरा एमयूटी गोरखपुर, थर्ड नंबर पे आता है हमारा आईआईटी लखनऊ, फोर्थ नंबर पे आता है हमारा केएनआईटी सुल्तानपुर, और फिफ्थ नंबर पे बच्चों आता है हमारा बीआईटी झांसी। ठीक है, तो देखो बच्चों, ओवरऑल बढ़िया कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, काफी बच्चे इस कॉलेज को प्रीफर करते हैं। ठीक है ना, और देखो प्लेसमेंट तो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं है, प्लेसमेंट आर ओके ओके, बट बच्चों क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसके वजह से आपको कम फी पे करना पड़ता है, और बच्चों ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो डिसेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीआईटी झांसी को डिटेल में बातें कर रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम लोग कट ऑफ 2022 देखेंगे, कैटेगरी वाइज देखेंगे, ब्रांच वाइज देखेंगे, होम स्टेट वाले बच्चों के लिए कट ऑफ देखेंगे, और साथ में बच्चों अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए भी कट ऑफ देख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 देखेंगे। इतना ही नहीं, इसके बाद फी स्ट्रक्चर ऑफ बीआईटी झांसी और साथ में यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, सारी बातों को हम लोग कवर कर लेंगे। बस बच्चों आपको एक काम करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखना है बिना स्किप के। ठीक है ना, बिना स्किप के देखोगे तभी कम्प्लीट जानकारी पहुंच पाएगी। चाहो तो 1.5x या फिर 2x पे भी देख सकते हो, अगर समझ में आता है तो। ठीक है ना बच्चों, लेकिन स्किप मत करना, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, सो बच्चों बिना टाइम वेस्ट की बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बीआईटी झांसी कट ऑफ 2022, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम लोग कट ऑफ 2022 देखेंगे, फिर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 देखेंगे, फिर बच्चों हम लोग फी स्ट्रक्चर देखेंगे, और लास्ट में स्टूडेंट्स हम लोग प्लेसमेंट को कवर कर रहे होंगे, यानी कि बच्चों सारी बात को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले समझते हैं हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बीआईटी झांसी। ठीक है, तो बीआईटी झांसी का फुल फॉर्म है हमारा बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि बच्चों आपको झांसी में देखने को मिलता है, यानी कि यूपी में देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बीआईटी झांसी हमारा एक गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, काफी पुराना गवर्नमेंट कॉलेज है, क्योंकि बच्चों बीआईटी झांसी को 1989 में स्टेब्लिश किया गया था, तो समझ सकते हो कि काफी ज्यादा पुराना कॉलेज है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ ही गया है। बाकी बच्चों बीआईटी झांसी में आपका एडमिशन होता है एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, एकेटीयू काउंसलिंग का हम लोग यूपीटीयू काउंसलिंग और साथ में यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कैंपस साइज और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो देखो बच्चों, बीआईटी झांसी को 240 एकड़ में बनाया गया। ठीक है, तो समझ सकते हो कि 240 एकड़ काफी ज्यादा बड़ा लैंड एरिया होता है। ठीक है, तो हर एक चीज अवेलेबल है, लैब्स रूम्स वगैरह सब चीज अवेलेबल है। स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो बच्चों हर एक स्पोर्ट्स आपको इस कॉलेज में देखने को मिलता है, चाहे आपका क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस कॉलेज। ठीक है बच्चों, सो ओवरऑल कॉलेज बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिसेंट देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, एडमिशन आपका एकेटीयू काउंसलिंग के थ्रू होगा। फी स्ट्रक्चर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बच्चों वीडियो में आगे हम लोग फी स्ट्रक्चर प्लेसमेंट को डिटेल में समझ रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इस कॉलेज में अगर आप लोग आईटी ब्रांच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेते हो, ठीक है, तो इन दोनों ब्रांचेस में आपके बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में 15,000 रुपीस एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये सेम चीज आपको केएनआईटी सुल्तानपुर में भी देखने को मिलता है। मैंने जब वीडियो बनाया था केएनआईटी सुल्तानपुर का, उसमें भी मैंने ये बात बताया था। ठीक है, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ आईटी ब्रांच में ही था, यहाँ पे आईटी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों में ही है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग आईटी या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हो तो उस केस में पर ईयर का 77,000 रुपीस पे करना पड़ता है। और बच्चों आईटी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा जितने भी रिमेनिंग ब्रांचेस है उसमें बच्चों पर ईयर का आपको अप्रोक्सीमेटली 62,000 रुपीस पे करना पड़ता है। वैसे एग्जैक्ट अमाउंट है 61,800 रुपीस। ठीक है, हालांकि इन सारी बात को मैं डिटेल में आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, अब बात करते हैं प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखो बच्चों प्लेसमेंट बीआईटी झांसी का उतना भी बढ़िया
नहीं है, इससे बेटर हो सकता था। लेकिन बच्चों आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कमाल का है, ठीक है ना। गवर्नमेंट कॉलेज है, काफी कम फी पे करते हो, जो रिटर्न मिलता है वो डिसेंट है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज पैकेज आपको 5 to 5.5 लाख पर एनम का देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी प्लेसमेंट को डिटेल में इस वीडियो में आगे हम लोग बातें करेंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ये कॉलेज बढ़िया है, ठीक है ना। बीआरटी झांसी एक डिसेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट का टैग है, कम फी है और बच्चों आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कमाल का, ठीक है। तो बच्चों यही है बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट बीआरटी झांसी। ओवरऑल कॉलेज बढ़िया है, आप लोग ले सकते हो। देखो बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे पहले से हो तो आपको पता होगा कि लगातार वीडियोस आ रहा है। बच्चों अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले चैनल को चेक करो, एक्सप्लोर करो कि यहाँ पे कितने सारे कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है ना बच्चों। सिर्फ और सिर्फ यूपीटी काउंसलिंग नहीं, मल्टीपल काउंसलिंग, आईआईटी एनआईटी में एडमिशन, जोसा काउंसलिंग, सीसीए काउंसलिंग सभी यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है। और देखो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट टाइम का नहीं है, लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं। इस ईयर तो आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूपीटी 2023 का, ठीक है। लेकिन बच्चों इससे पहले जो हमारा एक प्लेलिस्ट बना हुआ था यूपीटीयू कॉलेज का, उसमें बच्चों आपको 2020 से लेकर के अभी तक के सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है बच्चों लास्ट 4 to 5 ईयर से पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग हेल्प करते हैं, 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। और अभी से लेकर के जब तक कि आपका एडमिशन नहीं होगा, हर एक वीडियो चैनल पे आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन बच्चों होता क्या है कि सिर्फ वीडियो को देख करके सारे डाउट क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि आप सभी का रैंक अलग है, अलग अलग रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलेज मिलेगा और बच्चों अलग अलग ब्रांच मिलेगा, और स्टूडेंट साथ में पर्सनल क्वेरी भी होते हैं। तो सारे कैसे क्लियर होंगे, तो वो तब क्लियर होंगे जब कोई आपके पर्सनल डाउट को पर्सनली क्लियर करेंगे एज अ मेंटर के तरीके से, ठीक है। तो बच्चों सभी के लिए हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना। जैसे ही बाय करोगे वैसे ही हमारे टीम मेंबर आपको कॉल करेंगे, कॉल करने के बाद जाकर के कॉल पे आपके जितने भी क्वेरी होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद बच्चों आप लोग हमारे टच में आ जाओगे, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी काफी सारे स्टूडेंट हैं। बाकी सारे फीचर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एक बार बाय करने के बाद जाकर के आप लोग हमारे टच में आ जाओगे, आपके रैंक के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज चॉइसमेंट करवाई जाएगी, आपको पर्सनल मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा और बच्चों लास्ट तक में आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं तो आपको पता होगा कि कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा हमारे पास, ठीक है बच्चों। और ये है कि हमारे स्टूडेंट आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएंगे, आईआईटी बॉम्बे से लेकर के हर एक आईआईटी में। लेकिन यूपीटीयू काउंसलिंग की बात करेंगे तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, सो आईटी लखनऊ, केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी, या फिर टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे तो जेएसएस नोएडा, एकेजीसी, कायट, गलगोटिया, जेल बजाज, सभी में अपने बच्चे हैं, ठीक है। सो जल्दी से बाय कर लेना। और देखो बच्चों ये सारा फीचर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में ही दिया जा रहा है, लेकिन बच्चों ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में ही है। तो बच्चों जल्दी से बाय कर लेना क्योंकि ये प्राइस बहुत जल्दी ही बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना। 1500 रुपए बचाने के चक्कर में रहोगे तो बच्चों आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यूपीटीयू काउंसलिंग वैसे भी बहुत बड़ी काउंसलिंग होता है। यहाँ पे 776 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, तो समझ सकते हो कि चॉइस फिलिंग कितना ज्यादा होगा, फिल ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं आएगा कि किसको कैसे क्या फिल करना है, ठीक है ना। तो जल्दी से बाय कर लेना बच्चों, और बाय करोगे तो आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह सब हम करवाएंगे, ठीक है। वैसे भी किसी भी कॉलेज में जाओगे 1-1.5 लाख रुपए पर ईयर का पे कर रहे होगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज पे करना है, और 999 रुपीज में आपके रैंक के अकॉर्डिंग से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको मिल जाएगा। देखो बच्चों ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं होगा, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि यूपीटीयू काउंसलिंग में इतने ज्यादा कॉलेज है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो कॉलेज, वो ब्रांच आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेस्ट है? द आंसर इज नो, ठीक है। अगर खुद से करोगे तो आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो जल्दी से बाय कर लेना बच्चों, हम लोग लास्ट 4 to 5 ईयर से काउंसलिंग करवा रहे हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल को चेकआउट करो। अगर आपको लग रहा है कि ये चैनल आपका हेल्प कर सकता है तभी बाय कर लेना, लेकिन जल्दी बाय कर लेना क्योंकि स्टार्टिंग में प्राइस कम है, ठीक है। अब देखो बच्चों YouTube पे आपको काफी सारे लोगों का काउंसलिंग सपोर्ट देखने को मिला होगा, तो ये कंफ्यूजन होगा कि किसका लें किसका नहीं लें, ठीक है, कौन जेन्युइन है कौन फेक है। तो उसके लिए बच्चों मैंने IIT लखनऊ और साथ में KNIT सुल्तानपुर में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप लोग पता करोगे कि कौन जेन्युइन है कौन फेक है, ठीक है। सो उस वीडियो को देख लेना। बाकी बच्चों अगर हमारा बाय कर लेना है तो जल्दी से बाय कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में 999 रुपीज का ही है। ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेकआउट कर लेना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है, अब बात करते हैं इसके कट ऑफ के रिगार्डिंग। सो बच्चों वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है बीआईटी झांसी कट ऑफ 2022, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग 2022 का कट ऑफ देखते हैं।
अब देखो बच्चों, बीआईटी झांसी में आपको सिर्फ और सिर्फ 7 ब्रांचेस ही देखने को मिलता है। पहला है सीएसई यानी कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दूसरा है आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीसरा है ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, चौथा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पांचवा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, छठा है सिविल इंजीनियरिंग और सातवां ब्रांच है केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, सो बच्चों यही 7 ब्रांचेस आपको बीआईटी झांसी में देखने को मिलता है। अब कट ऑफ की बात करेंगे तो देखो बच्चों, सबसे पहले ये जो हम लोगों ने कट ऑफ लिखा हुआ है ये कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज कट ऑफ है और बच्चों ये 2022 का कट ऑफ है। ठीक है ना बच्चों, अब साथ में ये कट ऑफ है हमारा होम स्टेट का। अब होम स्टेट कैसे कंसीडर किए जाएंगे मैंने काफी सारे वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर से बता देते हैं। देखो बच्चों, यूपी में होम स्टेट कंसीडर करने के लिए दो क्राइटेरिया है। ठीक है, पहला ये कि अगर आपने क्लास 12th यूपी से पास आउट किए हुए हो तो आप लोग होम स्टेट में आ जाओगे, और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपने क्लास 12th किसी अदर स्टेट से पास आउट किए हुए हो लेकिन अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उस केस में भी आप लोग होम स्टेट में आओगे। ठीक है, तो होम स्टेट का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चों, 2022 में जनरल वाले बच्चों को होम स्टेट में सीएसई ब्रांच मिल रहा था 58,715 रैंक तक में, आईटी ब्रांच मिल रहा था 66,299 रैंक तक में, ईसी ब्रांच मिल रहा था 80,307 रैंक तक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 113,886 रैंक तक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 140,059 रैंक तक में, सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 176,211 रैंक तक में, और बच्चों लास्ट ब्रांच यानी कि केमिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 179,802 रैंक तक में। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी का देख सकते हो। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो बच्चों सीएससी ब्रांच मिल रहा था 335,738 रैंक में। ठीक है, और बाकी ब्रांचेस की बात करेंगे तो बच्चों आपका कोई सा भी रैंक था तो आपको मिल जा रहा था। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग एसटी कैटेगरी से हो और होम स्टेट से हो तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले HBTU कानपुर को ट्राई करो क्योंकि वो बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, अगर वो मिल जाए तो ठीक है, वरना आईटी लखनऊ है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी गोरखपुर है, केनेडी सुल्तानपुर है। ठीक है ना, सुल्तानपुर भी बढ़िया कॉलेज है, बस उसका लोकेशन थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा बच्चे बताते हैं कि वहां का लोकेशन ठीक नहीं है, माहौल वगैरह ठीक नहीं है, लड़ाई वगैरह होती रहती है। ठीक है, सो ये सारी चीज देखने को मिलता है, तो बच्चों ये समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों, इसी तरीके से आप लोग ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी कैटेगरी का भी देख लोगे, बस एक बात याद रखना है कि ये सारा रैंक आप लोगों का सीआरआर रैंक है जिसे हम लोग कॉमन रैंक लिस्ट के नाम से जानते हैं और बच्चों ऑल इंडिया रैंक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सीआरआर रैंक और ऑल इंडिया रैंक दोनों सेम ही होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। वैसे भी बच्चों मोस्टली काउंसलिंग में आपका सीआरआर रैंक ही कंसीडर होता है, कैटेगरी रैंक सिर्फ और सिर्फ जोसा काउंसलिंग में ही कंसीडर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कैटेगरी वाले बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा है कि सर अगर हमारा कैटेगरी रैंक कंसीडर नहीं होगा तो फिर हमारे कैटेगरी का हमें बेनिफिट कैसे देखने को मिलेगा, तो इन सारे डाउट को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आईआईटी लखनऊ वाले वीडियो में। ठीक है, सो उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो के थ्रू आपके ये सारे क्वेरी तो सॉल्व हो जाएंगे, साथ में काउंसलिंग प्रोसेस को भी मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, तो बच्चों उस वीडियो को देख लेना, उस वीडियो के थ्रू सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी बच्चों ये सारा रैंक आप लोगों का सीआरआर रैंक है यानी कि कॉमन रैंक लिस्ट है जिसे हम लोग ऑल इंडिया रैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, ये कट ऑफ है हमारा अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर आप लोग अदर स्टेट कैटेगरी से हो, ठीक है, और आप लोग जो है वो एडमिशन लेना चाहते हो यूपीटीयू काउंसलिंग के थ्रू, तो उस केस में बच्चों अगर आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो जैसे कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी, तो बच्चों आपके कैटेगरी का आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, आप सभी को जनरल कैंडिडेट के तरीके से ही ट्रीट करेंगे और बच्चों आपका एडमिशन होगा ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो बच्चों वही हम लोगों ने लिखा हुआ है ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ। ठीक है, तो बच्चों अगर 2022 की बात करेंगे, सो बच्चों 2022 में ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे सीएससी ब्रांच मिल रहा था 53,396 रैंक तक में, आईटी ब्रांच मिल रहा था 59,708 रैंक तक में, ईसी ब्रांच मिल रहा था 72,688 रैंक तक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 102,674 रैंक तक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 120,913 रैंक तक में, सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 131,099 रैंक तक में,
और बच्चों केमिकल इंजीनियरिंग में लगाता है 136,070 रैंक तक में, ठीक है। सो स्टूडेंट ये समझ में आ गया है, ठीक है ना, ये हमारा कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे अदर स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों ये कट ऑफ मैंने लिखा हुआ है FW का। FW का मतलब होता है फी एवर सी, ठीक है, मैंने काफी वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। लेकिन बच्चों अगर आपको FW सीट मिलता है तो उस केस में कॉलेज का जो ट्यूशन फी होता है वो ऑफ हो जाता है, ठीक है ना। हर एक ईयर का फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर तक में हर एक ईयर का ही आपका ट्यूशन फी ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों लेकिन हाँ एक और बात भी है कि FW सीट सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट वाले बच्चों को ही मिलता है, अदर स्टेट वाले बच्चों को नहीं मिलता है, ठीक है। तो बच्चों FW सीट की कट ऑफ की बात करेंगे तो CSE ब्रांच मिल रहा था 50,857 रैंक तक में, IT ब्रांच मिल रहा था 62,381 रैंक तक में, EC ब्रांच मिल रहा था 72,023 रैंक तक में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 92,255 रैंक तक में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा था 84,760 रैंक तक में, सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा था 116,928 रैंक तक में, और बच्चों केमिकल इंजीनियरिंग का अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों इसके अलावा भी आपको और भी कैटेगरी का बेनिफिट देखने को मिलता है, जैसे कि अगर गर्ल्स हो तो उस केस में भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रीडम फाइटर हो गए हमारे, ठीक है ना, और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो गए, इन सभी का भी अलग से आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो बच्चों ये समझ में आ गया, ठीक है ना, ये हमारा कट ऑफ है 2022 का। चाहो तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप लोग से बाद में भी देख सको, ठीक है। तो बच्चों होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखो बच्चों अगर हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 की बात करेंगे तो देखो बच्चों सबसे पहली बात ये कि ये जो कट ऑफ लिखा हुआ है ये हमारे लास्ट ईयर के फोर्थ राउंड का कट ऑफ है, ठीक है। IIT लखनऊ में मैंने काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। देखो बच्चों UPTU काउंसलिंग आपके फोर्थ राउंड होने के बाद इंटरनल स्लाइड राउंड होता है, ठीक है ना, उसके बाद बच्चों स्पेशल राउंड होते हैं। अब देखो बच्चों स्पेशल राउंड जिसे हम लोग स्पॉट राउंड के भी नाम से जानते हैं, स्पॉट राउंड पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, बिकॉज स्पॉट राउंड इज टोटली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी, ठीक है। तो बच्चों ये लास्ट ईयर के फोर्थ राउंड का है, बाकी काउंसलिंग प्रोसेस को समझना है तो IIT लखनऊ वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आप लोगों का सेफ रैंक है, अगर आपका कैटेगरी वाइज इतना रैंक है तो 100% 2023 में भी BIT झांसी में आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आएगा ही, उससे ये हो सकता है कि फोर्थ राउंड तक में नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो रिमेनिंग राउंड होगा उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों थोड़ा बहुत जो वेरिएशन आएगा उसकी बात करते हैं कि कितना वेरिएशन जाएगा, तो मैंने काफी वीडियो में बताया हुआ है। तो बच्चों ये है कि इस ईयर थोड़े लार्ज नंबर ऑफ JEE कैंडिडेट हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, ठीक है। तो लगभग 1000 से लेकर के 1500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट ईयर CSE ब्रांच में लाता 58,750 रैंक तक में, तो बच्चों अगर इस ईयर आप लोगों का रैंक होगा 57,000 तक में तो 100% फोर्थ राउंड तक में एडमिशन हो जाएगा, बाकी बच्चों इतने रैंक पे भी लास्ट तक में BIT झांसी मिल जाए। स्पॉट राउंड में जाओगे, स्पेशल राउंड में जाओगे तो सिविल केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो 3-3 लाख रैंक पे भी मिल रहा होता है, बट बच्चों डेस्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी, हालांकि 4-5 ईयर से देख रहे हैं कि वैकेंसी रहता ही रहता है, ठीक है। बाकी हमारा काउंसलिंग सपोर्ट बाय कर सकते हो, पर्सनली गाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, यानी कि 1000 से लेकर के 1500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी चीज को लगा देते आप लोग हर एक कैटेगरी और हर एक ब्रांच का देख सकते हो, यही आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट हम लोगों ने कट ऑफ 2022 को डिटेल में देख लिया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 को भी समझ लिया है। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर एंड प्लेसमेंट ऑफ BIT झांसी के रिगार्डिंग। सो देखो बच्चों सबसे पहले हम लोग फी स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर प्लेसमेंट को देखेंगे। तो फी स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूट फी में वन टाइम रिफंडेबल अमाउंट जो है वो अमाउंट है 5,000 रुपीज, ठीक है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में पे करना होता है, वन टाइम फी है, साथ में रिफंडेबल है, जब आपका BTEC कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे इस फीस को रिफंड कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा वन टाइम फी और पे करना होगा वो अमाउंट है 1,000 रुपीज। इसके अलावा बच्चों ट्यूशन फी जो पे करना होगा पर ईयर का वो अमाउंट है 55,000 रुपीज फॉर इलेक्ट्रिकल एंड IT ब्रांच, एंड बच्चों 40,000 रुपीज फॉर अदर ब्रांचेस, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि IT और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बाकी ब्रांचेस के मुकाबले 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो बच्चों इसके अलावा अदर फी जो पे करना होगा पर ईयर का वो अमाउंट है 15,800 रुपीज। इट मीन स्टूडेंट की जो आपको टोटल इंस्टीट्यूट फी पे करना होगा वो अमाउंट है 76,800 रुपीज फॉर IIT एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड बच्चों रिमेनिंग ब्रांचेस के लिए 61,800 रुपीज पे करना होगा, ठीक है।
ये फी है आपका पर ईयर का, ठीक है। इसके अलावा हॉस्टल फी की बात करेंगे तो बच्चों हॉस्टल फी में हॉस्टल सीट रेंट जो कि पर ईयर का पे करना होगा वो अमाउंट है 4,800 rupees। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस जो पे करना होगा पर ईयर का वो अमाउंट है 2,600 rupees। अदर फी जो पे करना होगा पर ईयर का वो अमाउंट है 2,200 rupees, ठीक है। मैथ्स का जो फी पे करना होगा पर सेमेस्टर का वो अमाउंट है 14,000 rupees, ठीक है। तो बच्चों टोटल हॉस्टल फी जो पे करना होगा वो अमाउंट है 23,600 rupees, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग प्लेसमेंट की बात करेंगे तो बच्चों 2022 का प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्लेसमेंट यहाँ का उतना भी ज्यादा बढ़िया नहीं है। ऑन कैंपस आपको हाईएस्ट पैकेज 10 LPA, 12 LPA यही का ही देखने को मिलता है। हालांकि ये लोग अपने वेबसाइट पे ऑफ कैंपस दिखाते हैं, ऑफ कैंपस यहाँ का 64 लाख पर एनम का गया था, ठीक है। ऑन कैंपस का मतलब ये है कि कंपनीज आपके कॉलेज में ही विजिट करती है तो थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है। ऑफ कैंपस का मतलब ये है कि जो बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो ऑफ कैंपस जाकर के ट्राई कर रहे हैं, तो ये कि एक बेटर प्लेसमेंट दिखाने के लिए अपने ये वेबसाइट पे ऑफ कैंपस का डेटा दिखा देते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों यही है कि हाईएस्ट पैकेज आपको 10-12 LPA का ही देखने को मिलता है। कुछ पॉइंट हाईलाइटेड है, पहला पॉइंट दिया हुआ है कि 2022 में 10 lakh rupees पर एनम ऑफर किया गया था वन स्टूडेंट को बाय जोश टेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो बच्चों यही है कि हाईएस्ट पैकेज तो मैंने आपको बता ही दिया है, एवरेज पैकेज आपको 5-5.5 lakh पर एनम का देखने को मिलता है। अगर आप लोग CSIT ब्रांचेस में जाते हो तो 6 LPA का भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो एवरेज पैकेज डिसेंट है, ठीक है। और बच्चों ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो कमाल का, ठीक है ना। ऐसा ही आएगा। पास रिक्रूटर्स की बात करेंगे तो बच्चों TCS, इंफोसिस, एसेंचर जैसे कंपनीज इस कॉलेज में विजिट करती है, उतने बड़े कंपनीज विजिट नहीं करती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक वगैरह नहीं आते हैं, लेकिन बच्चों Amazon, Paytm जैसे कंपनीज भी इस कॉलेज में विजिट करती है, ठीक है। तो बच्चों यही है कि ओवरऑल कॉलेज बढ़िया है, आप लोग इसे ले सकते हो। वैसे बच्चों प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे JSS नोएडा, AKGC, इन सभी का प्लेसमेंट थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन बच्चों ओवरऑल ये कॉलेज भी बढ़िया है क्योंकि ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसेंट है, कम फी पे करना पड़ता है, रिटर्न बढ़िया है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट का टैग है, ठीक है ना। कैंपस साइज बढ़िया है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ठीक है, कोडिंग कल्चर भी इस कॉलेज का डिसेंट ही है, ठीक है। तो ओवरऑल कॉलेज बढ़िया है। अगर आपको IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर नहीं मिल रहा है तो आप इस कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है। बाकी बच्चों सारे क्वेरी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अगर अभी भी कुछ क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल फर्स्ट टाइम आए हो सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो क्योंकि आपके जर्नी में चैनल काफी इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है। पर्सनलाइज काउंसलिंग सपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, क्लिक करके फीचर करके बाय कर लेना सिर्फ और सिर्फ। स्टार्टिंग में इसका प्राइस 999 rupees है, लेकिन बच्चों बाद में इसका प्राइस बढ़ जाएगा और बाय कर लोगे तो 100% आपके रैंक के अकॉर्डिंग से बेस्ट कॉलेज और ब्रांच आपको दिलवा दिया जाएगा। और बच्चों लास्ट 4-5 years से काउंसलिंग करवा रहे हैं, पूरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऑल लिंक्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ UPTU का बाय करना चाहते हो तो 999 rupees लगेगा, और बच्चों इसके अलावा मल्टीपल काउंसलिंग बाय करोगे तो बच्चों कॉम्बो ऑफर है और भी कम प्राइस में हो जाता है। हर एक काउंसलिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। NITs, IITs के लिए जोशा सीसेफ काउंसलिंग भी यहाँ पे करवाया जाता है, ठीक है ना। तो जल्दी से बाय कर लेना, बाकी बच्चों कुछ और डाउट है तो पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय।